नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ठाकुर कैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ठाकुर कैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टॉय पॉम होता है वो प्योर ब्रीड है या नहीं है, कैसे पहचानें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कल्चर पॉम या नॉर्मल पोमेरियन जो होता है, बोले तो इंडियन स्पिट्स, वो लोगों को टॉय पॉम बता के बेच दिया जाता है। तो कई लोगों के पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी कि डिफरेंस बिटवीन कल्चर पॉम, टॉय पॉम एंड इंडियन स्पिट्स, तो इसमें कई क्वेश्चंस ये भी थे कि सर एक सिर्फ पॉम पे वीडियो बनाए, तो ये वीडियो होने वाली है सिर्फ टॉय पॉम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि टॉय पॉम के बारे में बता दूँ, आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ कि जो टॉय पॉम की हाइट होती है वो 5 इंच से लेके 11-12, बस इससे ज़्यादा टॉय पॉम की हाइट नहीं होनी चाहिए। जिन्हें ही बात करते हैं वेट की, तो फिर 2 किलो से लेके 4 किलो, मैक्सिमम 5 किलो वेट होना चाहिए। 5 किलो काफ़ी ज़्यादा होता है टॉय पॉम कैटेगरी में, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 4 किलो वेट होना चाहिए एडल्ट डॉग का, ठीक है। और जो एडल्ट डॉग की जो एनाटॉमी होती है, जो पपी का फेस होगा, यानी सॉरी एडल्ट डॉग का जो फेस होगा, उसकी टेल होगी, उसके जो कान होंगे, और जो पपी में भी कुछ फीचर्स दिखते हैं, लेकिन बचपन में जो टॉय पॉम और जो कल्चर पॉम होता है इनमें से काफ़ी मतलब काफ़ी सिमिलर होते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर किसी को एक्सपीरियंस ना हो तो वो बता नहीं सकता कि ये टॉय पॉम है या फिर ये कल्चर पॉम है। तो आपको काफ़ी सोच समझ के पपी कहीं से भी लेना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे ब्रीडर से लें जो आपको पपी की गारंटी दे कि ये बड़ा हो के टॉय पॉम ही निकलेगा, अच्छा कल्चर या अच्छा डॉग नहीं, आपको प्योर ब्रीड टॉय पॉम चाहिए। और रही बात प्राइस की, तो कई जगह टॉय पॉम मैंने देखा है कि 20,000, 25,000, 30,000 में देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मिलने को मिल सकता है, लेकिन जो एक नॉर्मल एवरेज प्राइस है टॉय पॉम पर वो करीबन 40,000 रुपये प्लस है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख, 2 लाख ऐसे आता है टॉय पॉम। और कोई अगर 20,000 में देता है तो आपको क्या देता होगा, इस बात का आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। बात करते हैं टॉय पॉम की कुछ पहचानने के कुछ मेन फीचर्स की। जो टॉय पॉम की टेल होती है वो इस तरह होती है कुछ, और जो हेड होता है वो थोड़ा सा पीछे, और जो चेस्ट होता है जहाँ पे बाल होते हैं वो थोड़ा सा निकपफ होते हैं आगे की ओर। ये मतलब एक बेसिक मैंने बताया आपको कि टॉय पॉम जो होता कैसे। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कल्चर पॉम को देखिएगा, कल्चर पॉम की भी टेल राउंड होती है, बट उतनी राउंड नहीं होती जितनी की टॉय पॉम की होती है। टॉय पॉम की जो पूंछ होती है वो लगभग उसके सर से टच होने की वाली होती है, थोड़ा बहुत गैप होता है, कई बार तो ये टच भी हो जाती है। और जो कल्चर पॉम की टेल होगी वो उसकी पीठ में ही कर्व ले लेगी, ठीक है। और बाकी फेस की रही बात, तो फेस काफ़ी छोटा होता है, मजल जो होती है, जो पॉइंट होता है फेस का काफ़ी छोटा होता है, और जो आंखें हैं वो और जो मजल है वो काफ़ी पास पास रहते हैं, और कान जो होते हैं वी शेप में नहीं होते हैं, इस शेप नहीं, वो आपको करीबन ये शेप में होना है, यू शेप में होना चाहिए, मतलब कान ऊपर से राउंड होते हैं टॉय पॉम के, और कल्चर पॉम के ये जो हैं ये ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो यही कुछ बेसिक मैंने बताया आपको। बाकी अगर आपको कभी भी कहीं से लेना हो, कहीं से भी आप ले रहे हो, तो अगर आप उसके बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं कि ये प्योर ब्रीड है या नहीं, तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा नाम है देवा नाम ही काफ़ी है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ठाकुर कैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ठाकुर के। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके दो चापड़ मारे, वैसे ही दोस्तों मैं आप चलो